अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इस टाइम पे हूँ मैं नवाशहर एबटाबाद में और मेन गढ़ीपन्ना चौक में। इस टाइम पे मैं खड़ा हूँ ये ओल्ड कब्रिस्तान। उस दिन भी आपको मैंने दिखाया था जब मोइस भाई के घर मेरी इफ्तारी थी। सुबह से आज निकला हूँ व्यूअर्स, क्योंकि ईद में अभी बचे हैं एक दो दिन, तो थोड़ा सामान वगैरह लेने। तो आज जो है अभी इस टाइम पे हूँ गढ़ीपन्ना पे, थोड़ा यहाँ पे काम वगैरह था तो काम वगैरह किया है ख़त्म। अभी थोड़ा टाइम तक चलते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह घर, फिर आगे की भी अपडेट्स आपको देते हैं। मैं भी आज क्या पता सेकंड लास्ट रोज़ा हो, आज पता चल जाएगा। अगर सऊदी अरब में चांद नज़र आ गया तो फिर तो सेकंड लास्ट है, नहीं तो फिर दो रोज़े और भी इसके बाद रहते। तो जी व्यूअर्स, वापस आ गए जी, आ गया हूँ मैं सीधा अभिराज भाई के पास। अभिराज भाई सुनाए जी, कैसे? शुक्र अल्लाह का। आखिरी रोज़े कुछ ज़्यादा सख्त नहीं हो गई? गर्मी है। और ये क्या रखा हुआ है भाई आज, मोबाइल वगैरह? क्या चीज़? ये डब्बे नहीं, ये कैमरे हैं जी। कैमरे? ये बड़े नहीं, या बड़े कैमरे होते हैं ये जो आर्मी वालों के। अच्छा। आईपी कैमरे होते हैं जो बड़े। अच्छा अच्छा, ये आईपी कैमरे, ठीक हो गए। डर लगवा रहे जी। तो और सुनाए फिर, ये ईद का क्या प्रोग्राम है, कब करेंगे? बस आप देखिए, अगर आज सऊदिया वाले अगर आज कर लेते हैं तो परसों हमारी ईद है, उनकी नहीं हुई तो फिर इस दफा 30 रोज इंशाल्लाह पक्के रखेंगे। आज पता चल जाएगा किसी ईद है कि नहीं है। नहीं, सऊदियों वालों का भी इंतजार है, अफ्तारी के बाद चेक करेंगे क्या सिस्टम बनता है। दुबई सऊदियों में जो दोस्त यार हैं उनसे रब्ता करेंगे। हाँ, तो पता चल जाएगा। और गर्मी जो काफी दिनों से जो है बढ़ गई है, धूप देखे ऐसा लग रहा है चूल्हा लगा हुआ है जमीन पे। चूल्हा। मॉर्निंग व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि मे बी कि आज लास्ट रोज़ा भी हो सकता है, चांद रात भी हो सकती है। तो चांद रात भी होती है, कुछ तैयारियाँ वगैरह भी। तो चांद रात अगर ना भी हुई तो चांद रात की वीडियो के साथ ही ये वीडियो भी अटैच मैंने करनी है। सबसे पहले चलते हैं जी बाहर, जाके देखते हैं अगर कोई बार्बर वगैरह के पास रश कम है तो जाके कटिंग वगैरह करवाते हैं और फिर उधर ही मिलते हैं जी आपको। और ये सामने रवायत बेकर्स है, यहाँ से जो है बेकरी का आइटम वगैरह लेंगे जाएंगे, ठीक है? यहाँ से जो है बेकरी का आइटम लेते हैं। तो आज मैं भी क्या आखिरी दोनों रश तो उसी तरह ही है भाई। मेरे यहाँ सामान पैक हो गया, ठीक ठीक जी। व्यूअर्स, बेकरी से मैं आ गया हूँ भाई। तो अब तो आके थोड़ा टाइम है, उनको मैंने सारी चीज़ें लिख के दे दी है तो वो निकाल लेंगे, थोड़ा सा टाइम है। तो अभी जो है जाता हूँ ऑफिस में, अभिराज भाई का ऑफिस। चाबी मेरे पास ही है, ताला खोल दे मेरे तो कुछ टाइम के लिए बैठते। अभिराज भाई आ गए तो फिर जो है चाबी उनके हवाले कर देंगे जी, ताला की। अभी ये खुल गया, सेम खुल गया। ऑफिस के अंदर बैठते हैं, ये टाइम भी अभी मैंने छोड़ा और उसमें ये चीज़ें और थोड़ी सी ये भी डाल देते हैं। बेकरी वाले का टाइम है, थोड़ा बेकरी का टाइम है थोड़ा सा। तो अभी अभिराज भाई का वेट है जी, वो लाने के हुए जी गाड़ी। बेचारों नहीं थी उस दिन इधर खड़ी हुई, तो वो किसी के पास थी तो अभी वो लाने के। तो वो सामने से हमारे एक और भाई जा रहे हैं। जुरेदा संगे खैर दे। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं जी? ठीक है जी।
चक्कर लगा कहा बैठते हैं अंदर तो गप सप लगाते हैं हम अकेले ही सुनाए ना क्या मजे आज आज जुनैद भाई क्या लग रहा है जी आज आखिरी क्योंकि मैं व्लॉग बना रहा हूँ मैं व्लॉग बना रहा हूँ चांद रात का चांद रात लेकिन ज्यादातर जिस तरह बाजारों में रश है उस हिसाब से यही लग रहा है कि आज आखिरी रोज है ना तो वो बहुत रश बनी हुई है जी हम तो कहते हैं 300 रमजान ठीक रहता है तो रमजान अच्छी चीज है जी रोजे रखने चाहिए तो गुजर गए हैं पर रमजान का बिल्कुल पता ही नहीं चला है कैसे आया है कैसे गुजर गए तो ये अभी चार छह चाबियां अब्राज पे मुझे देखेंगे हम क्योंकि उनके कोई पार्टीज भी आनी है उनको विजिट वगैरह करवाना है उन्होंने मुझे कहते हैं मेरे आने तक बैठो मैं आता हूँ तो बेकरी पे तो बहुत रश थी तो मैं उनको बिल बना के दे हूँ थर्ड टाइम तक जाके रिसीव करते हैं जी बेकरी से सामान और जुनैद भाई सुनाए जी आपको बड़ी मुबारक हो शादी भी है आपकी है जुनैद भाई की जी शादी हुई है शादी तो 2-3 महीने हो गए दरअसल मैं इस शादी का पता सिर्फ इनको है ना इनके घर वालों को पता नहीं है तो तब ये छुपा रहे ना इनके रिश्तेदारों को पता है ना कजन वगैरह को सिर्फ इन्हें पता है तो शादी इन्होंने की थी 2-3 महीने पहले मैंने गवाही दी थी इनकी जगह निकाह नामे पे होते हैं ना वो गवाही वो मैंने दी थी तो इंशाल्लाह घर भी पता चल जाएगा जी आपके तो ये फिर होता है थोड़ा सा घर में सख्ती करेंगे तो खैर चल जाएगा नहीं हाँ वो बता देना फिर साथ जब आप हमारे अंकल को लेके जाओगे अपने छोटे छोटे बच्चे भतीजे हमारे साथ लेके जाओगे फिर वो ज्यादा खुश होंगे हाँ 2-3-4 साल बाद 4 साल का बेटा भी होगा आपका फिर उनको बताओगे तो ज्यादा सिस्टम अच्छा हो जाए चलिए जी ये सभी बैठ के ये लगाते हैं जुनैद भाई के साथ गपशप तो ये हम शोभन मेला लगा रहे थे ये ना आप लोग ये वीडियो उठाएं और इनके अबू तक फॉरवर्ड की हो इनके कजन रिश्तेदारों तक फॉरवर्ड की हो उन्हें जुनैद ने शादी कर ली तो ब्राज भाई भी मेरे ख्याल से आगे ये गाड़ी कौन सी है कैरी है कैरी ने उनके पास दूसरी पिजारो थी तो वो लाने के हुए तो हम शायद थोड़ी देर लगाते हैं गपशप फिर मिलते हैं फिर उसके बाद आपको अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी बेकरी का सामान मिल गया ये देख सकते होंगे मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सामान है तो बेकरी के अंदर वीडियो नहीं बना सका बेकरी के अंदर वीडियो नहीं बना सका क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा थी तो अभी ये सामान लिया अब राज भाई क्या ऑफिस पहुँचाऊँ यहाँ पे दही वगैरह भी पड़ा हुआ है तो दही वगैरह भी उठाऊँगा उससे तो फिर जाऊंगा घर ये देखें जी काफ़ी ज़्यादा सामान मैंने लिया है जी ये देखें पूरे महल्ले के लिए बेकरी का सामान ले लिया है मैंने मतलब भाई आप रोज़े रखते तो कितना स्वाद होता आपको आजा हरी है अभी अरमान कर रहे हैं कि मैंने रोज़े सारे क्यों नहीं रखे हाँ ना अभी अरमान तो लगेगा अब अरमान का क्या फायदा अरे आपको ये नहीं पता एक दिन आपने मरना भी है खुदा के सामने भी जाना यही बात तो ये काम आप छोड़ दें ना भाई अगली बार भी ये नहीं रखते अगली बार भी हर बार इसी तरह ही कहता है रखूंगा तो भूल के बोलता है खा लिया भूल के खा लेता है तो अल्लाह पाक इसको हिदायत दे हम तो यही बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी ईद का चांद नजर आ गया सबको जो है चांद रात मुबारक हो ईद मुबारक हो रोडों में रश देखें जी हमारी तरफ जो है उस कॉलेज रोड पे पांव रखने की जगह नहीं है बाजार फुल है लोग खरीदारी कर रहे हैं और अभी छोटे भाई को मस्जिद में से इत्तेकाफ पे बैठा था तो उससे उठाना है जाना है तो अब्दुल्ला भाई लोग दफ्तर बंद कर रहे हैं तो फिर हम जाएंगे जी सीधा उधर उसको उठा के आते हैं टेक्निकल वाली मस्जिद में
माशाल्लाह जी बंदा हमारा इंतकाब से माशाल्लाह जी ये अब्दुल्ला भाई जी सामान लेके जा रहे हैं इंतकाफ वालों में। भाई मुबारक हो गए गल सुनो ना दरवाजे में व्यूअर्स अभी जो है बाकी सारे काम तो अल्हम्दुलिल्लाह कर लिए जी, छोटे को इंतकाफ से भी उठा दिए, अभी एक मेन काम रहता है बार-बार वाला, दुआ करें कि कहीं पे हमें नंबर मिल जाए तो हम जो है कटिंग वगैरह करवा लें, खत वगैरह निकलवा लें, और देखते हैं जी किसी एक दो के पास जाएंगे नंबर वगैरह लेंगे, और तमाम दोस्त अहबाब को पूरे पाकिस्तान को दुनिया भर में जहाँ पर भी मुसलमान है सबको चांद रात मुबारक हो जी, चांद रात मुबारक। एक तो बाइक्स का इतना शोर है ना, तो चले अभी देखते हैं आगे कटिंग वगैरह का सीन भी आपके साथ शेयर करते हैं।